वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज जो है आज हम आए हैं समस्तीपुर जंक्शन और आपको समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म की सारी डिटेल आज देने वाले हैं कि समस्तीपुर जंक्शन कैसा है, उसका व्यू कैसा है, कितने प्लेटफॉर्म है, सारी ऑल टू ऑल इन ऑल डिटेल जो है आपको इस ब्लॉग में आज मिलने वाली है। तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज आपको समस्तीपुर जंक्शन का सारा डिटेल मिलने वाला है। समस्तीपुर जंक्शन का जो कोड है वो है SPJ और समुद्र तट से जो इसकी ऊंचाई है वो है 55 मीटर। गाइज, समस्तीपुर जंक्शन होते हुए जो मुख्य ट्रेन इधर से जाती है उसमें डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है और पवन एक्सप्रेस है, आम्रपाली एक्सप्रेस है, मिथिला एक्सप्रेस जाती है, स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट और वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस जाती है। और समस्तीपुर जंक्शन में जो है दो ओवरब्रिज है, इसके अलावा और भी ट्रेन यहाँ से जाती है, मुख्य रूप से ये ट्रेन जाती है। फ्रेंड, 25,000 से ज़्यादा यात्री पर डे समस्तीपुर जंक्शन से सफ़र करते हैं। जंक्शन पे गाइज 7 प्लेटफॉर्म है और 15 रेलवे ट्रैक है और समस्तीपुर जंक्शन को जो ऑपरेट करता है वो करता है ECR, इस सेंट्रल रेलवे। गाइज, समस्तीपुर जंक्शन का जो बनावट है वो स्टैंडर्ड है और इसका जोन जो है वो है ECR। मुख्य शहर की ओर जो ट्रेन जाती है उसमें पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, उसके अलावा उदयपुर, जयपुर, कानपुर और आपको चेन्नई, ये मुख्य शहर आप जा सकते हैं समस्तीपुर जंक्शन से। फाइट जो कंप्लीट हुआ था समस्तीपुर जंक्शन पे वो हुआ था 24 दिसंबर 2014 को। गाइज, आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अपना प्यार इसी तरह आप बनाए रखिए जिससे कि आने वाले ब्लॉग को मैं और कंटिन्यू अच्छा बना सकूँ। और आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए और फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा जो कि इंटरेस्टिंग होगा और भी, और मिलूंगा फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।